हेलो फ्रेंड्स, मैं गायत्री हाउ टू मेक में आपका स्वागत करती हूँ। और आप देख रहे हैं यहाँ पर रोस्टेड चने, ये घर में ही मैंने रोस्ट किए हैं और इन्हें रोस्ट करना बहुत ही आसान है। इसके मैं दो तरीके बताऊँगी और आपसे रिक्वेस्ट है आप दोनों ही तरीके देखिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक एल्यूमिनियम की कढ़ाई ली है जिसे गैस के ऊपर रखा है और फ्लेम को मैंने हाई रखा है। इसमें मैं नमक डालूँगी, ये मैंने पहले भी यूज़ किया है नमक। इसे हम अच्छे से गर्म करेंगे और लगातार चलाते रहेंगे, नमक जलना नहीं चाहिए। इसे 2 मिनट तक अच्छे से गर्म करना है, लगातार चलाते हुए गर्म करना है, इसे रोकना नहीं है हमें। और यहाँ नमक ये अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब इसमें मैं चने डाल देती हूँ। और चने डालने के बाद इसे हमें लगातार चलाते रहना है, रोकना नहीं है। अगर इसे चलाना बंद कर देंगे तो चने जल जाएंगे, इसलिए लगातार चलाते हुए इन्हें सेकना है। और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि ये चने फूटने लगते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे चने फूटने लगे हैं और इसी तरह से ये सभी चने फूट जाएंगे। फ्लेम को आपको हाई पे ही रखना है। ये देखिए, ये सभी चने अच्छे से फूट चुके हैं और अब इन्हें मैं निकाल लेती हूँ, नहीं तो ये जल जाएंगे। किसी भी झर की मदद से आप निकाल सकते हो जिसमें आपको सेफ्टी लगे। और यहाँ देखिए, इस तरह से ये चने सिके हैं, अभी गर्म है ये, और इन्हें गरम गरम खाइए घर में सिके हुए चने। एक और तरीके से मैं बताती हूँ आपको, एक और तरीके से मैं आपको चना रोस्ट करना बता रही हूँ। इसमें भी चने बहुत अच्छे से रोस्ट होते हैं। गैस के ऊपर मैंने फिर से कढ़ाई रखी है, नमक डाल रखा उसमें और नमक को फिर से हमें 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर गर्म करना है और लगातार इसे झड़ से चलाते रहना है, नमक जलना नहीं चाहिए। और यहाँ पर ये नमक गर्म हो रहा है, जब तक मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने चनों को इस तरह से पानी से 2-3 बार धोया है। ये देखिए, धो के रखे मैंने पानी से, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है, बस हाथों हाथ धोकर इसे और तुरंत नमक जैसे ही गर्म होता है वैसे इसे हमें नमक में डालना है। यहाँ पर नमक गर्म हो गया है तो मैंने चने डाल दिए हैं और इसे लगातार चलाते रहना है। फ्लेम को मैंने हाई पे रख रखा है। यहाँ पर मैंने चने भिगो के इसलिए डाले हैं, इससे जो चने जल जाते हैं वो जलेंगे नहीं, क्योंकि छिलकों में नमी रहेगी तो वो अच्छे से सिक जाएंगे और अच्छे जल्दी से फूटेंगे। देखिए, फूटने लग गए हैं, ये भी बहुत अच्छे से सिकते हैं, इस तरह से सेकेंगे जब भी हम, बस थोड़ा जलेंगे नहीं ये। ये देखिए, और इसी तरह से ये सभी चने अच्छे से सिक जाएंगे, इसके बाद ही निकाल लेंगे। मतलब दोनों ही तरीके से चने बहुत अच्छे से सिकते हैं, आप दोनों ही तरीके से आप बना सकते हो इन्हें। यहाँ पर ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से रोस्ट हुए हैं, दोनों ही तरीके से बहुत अच्छे से रोस्ट होते हैं चने। और आपको ये चने रोस्ट करने का तरीका कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। पहली बार मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलती हूँ, थैंक यू, बाय।